अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्लास प्रेप। आज हमारी 12 वर्किंग की वीडियो है। 12 वर्किंग की वीडियो में सबसे पहला वर्क है हमारे पास इंग्लिश सीरीज़ स्टेप वन। इंग्लिश सीरीज़ स्टेप वन में आज हम वर्किंग करेंगे पेज नंबर 77 एंड 78। 77 एंड 78 पर सेम वर्क है, इसीलिए मैंने यहाँ पे एक बोर्ड बनाया है। यहाँ पे मैं आप लोगों को समझाऊँगी बिल्कुल इसी पैटर्न पर। आप लोग पेज नंबर 78 को भी कंप्लीट करेंगे। लुक एट द बोर्ड, पढ़ें। राइट ग्रास लेटर। पहले मैंने आप लोगों को स्काई लेटर सिखाए थे, स्काई लेटर बताए थे। स्काई लेटर कौन से होते हैं? हमारे पास इंग्लिश में 4 लाइंस होती हैं। स्काई लेटर वो होते हैं जो हमारी ऊपर की 3 लाइंस में आते हैं। आज मैं आप लोगों को ग्रास लेटर समझाऊंगी। ये वाला काम आप लोग पहले सिंपल कॉपी में काम कर चुके हैं, प्रिंटेड कॉपी में फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। ग्रास लेटर कौन से होते हैं? ग्रास लेटर हमारे पास क्वांटिटी में ज़्यादा होते हैं। ग्रास लेटर कौन से होते हैं? जो हमारे सेंटर की 2 लाइंस में आते हैं। इंग्लिश में हमारे पास 1 2 3 4 4 लाइंस होती हैं। और जो हमारे जो ग्रास लेटर होते हैं वो आते हैं सेंटर की 2 लाइंस में। सेंटर की 2 लाइंस में आते हैं जो हमारे पास ग्रास लेटर होते हैं। ग्रास लेटर कितने होते हैं? लेट्स काउंट विद मी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। हाउ मेनी ग्रास लेटर? 14। पढ़ेंगे अब ग्रास लेटर को। पढ़ें। ए ए ए, ख ख ख, ए ए ए, ई ई ई, उम उम उम, उम उम उम, ओ ओ ओ, इर इर इर, स स स, आ आ आ, व व व, व व, एक्स एक्स एक्स, ज, ज, ज। अभी हमने ग्रास लेटर की रीडिंग की है। अब हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे ग्रास लेटर लिखे हुए, इसके बाद एक लाइन यहाँ पे एम्प्टी है। यहाँ पे हमें यही ग्रास लेटर यहाँ पे लिखना है और ये वाली लाइन को इधर लिखना है। अब बिल्कुल सेम सेम वर्क करेंगे। ए लिखा हुआ, यहाँ पे भी हम ए लिखेंगे सेंटर की 2 लाइंस में। ए ए बनाया, ए के बाद यहाँ पे क्या है? ख। यहाँ पे बनाएंगे ख ए, ई, उम, उम, के बाद ओ, एर, स, आ, व, एक्स, इसी के साथ ये वाली वर्किंग हमारी कंप्लीट हुई। सेकंड जो पेज है बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे आप लोगों को कंप्लीट करना है। ये वाली वर्किंग कंप्लीट होने के बाद चलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वर्किंग की तरफ। अब हमारी नेक्स्ट वर्किंग है नंबर सीरीज स्टेप वन। नंबर सीरीज स्टेप वन में आज हम वर्क करेंगे पेज नंबर 72 एंड पेज नंबर 73। जैसा आपने प्रीवियस वर्किंग में पेज नंबर 70 एंड पेज नंबर 71 पर वर्क किया था, बिल्कुल उसी तरीके से सेम पैटर्न पे आप लोगों को पेज नंबर 72 एंड पेज नंबर 73 पे भी वर्क करना है। 4, 10, 1, 41, 2, 50 तक काउंटिंग करनी है। 1 टाइम काउंटिंग करनी है। आपने 2 टाइम काउंटिंग की थी, यहाँ पे सिर्फ दोनों पेज में 1-1 टाइम काउंटिंग करनी है। और बिल्कुल इसी पैटर्न पे सफाई के साथ आप लोगों को वर्क करना है। इसी के साथ ये वाली भी वर्किंग कंप्लीट हुई। चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वर्किंग की तरफ। अब हमारी नेक्स्ट है, अब आज हम पढ़ाई करेंगे उर्दू कायदा सिलसिला अव्वल। उर्दू कायदा सिलसिला अव्वल में सफ़ा नंबर है 22। सफ़ा नंबर 22 पर हमारे पास हर्फ है ज़ोए। हमने प्रीवियस तोए पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे ज़ोए। पढ़ें। ज़ोए ज़ोए ज़ोए, ज़रूफ ज़रूफ ज़रूफ, ये ज़रूफ है, ये ज़रूफ है, ये ज़रूफ है, ये ज़रूफ है। ज़खीरा अल्फाज़, ज़रूफ ज़रूफ ज़रूफ,
अच्छे से इस पेज को रीड आउट करेंगे और प्रीवियस तमाम पेजेस को अच्छे तरीके से रीड आउट करेंगे। सारे हर्फ को अच्छी तरीके से पढ़ना है, उसके जो जुमले हैं उनको याद करना है, ज़खीरा अल्फाज को अच्छी तरीके से पढ़ना है और याद करना है। इसी के साथ ही वाली आज की हमारी वर्किंग कंप्लीट हुई। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।